राधे राधे साथियों, मैं ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पति पत्नी में प्रेम किस तरह से बढ़ाया जाए। पति पत्नी में मनमुटाव आजकल की एक विकट समस्या है। कभी पति में गुस्सा ज़्यादा होता है, कहीं पत्नी में गुस्सा ज़्यादा होता है। कभी पत्नी शॉर्ट टेम्पर होती है और कभी पति। कहीं ईगो प्रॉब्लम है और तो कहीं कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं या कोई ऐसी लत है जिसके कारण पत्नी परेशान है या पति परेशान है। दोनों का आपस में मेल बन नहीं पा रहा है, प्रेम बढ़ नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आज यहाँ पर मैं आपको 5 उपाय बताने जा रही हूँ। ये 5 उपाय बहुत ही कारगर हैं, अजमाए हुए हैं, इनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। यदि परिवार के बिखरने की नौबत आ रही हो, आपस में किसी भी तरह सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, तो एक बार इन उपायों को अवश्य ही कर लें। ईश्वर ने चाहा तो आपका दाम्पत्य जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा आपस में और परिवार स्थिर हो जाएगा। पहला उपाय इसी विषय में आपसे कहती हूँ। शुक्रवार के दिन साबुदाना, एक साबुदाना आता है परचून की दुकान से, आप ला सकते हैं, व्रत में भी यूज होता है। साबुदाने की खीर बनानी है। सुबह नहा धोकर पत्नी साबुदाने की खीर बनाए, उसे पहले पति को खिलाए, फिर वो उसको स्वयं खाए। ऐसा आपको 7 शुक्रवार करना है। सभी उपाय जो मैं बता रही हूँ बहुत आसान है, घर में रहकर बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। पर आपके मन में ये कामना होनी चाहिए कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे, ईश्वर अब हमारे बीच प्रेम बन रहा है। सब कुछ आपको प्रेजेंट में पॉजिटिविटी लाते हुए प्रेजेंट में बात करनी है, ईश्वर से मनोकामना करनी है। आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हमारे आपस में प्रेम बने, हमारा परिवार जुड़ा रहे। इस इच्छा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन आपने एक फल सुना होगा, जामुन। जामुन एक फल आता है, उसका पेड़ अक्सर आपको कहीं भी मिल जाएगा। शनिवार के दिन जामुन के पेड़ पर से 7 पत्ते, एक ही टहनी में जुड़े हुए 7 पत्तों को अलग अलग नहीं तोड़ना है, एक ही टहनी वहां से तोड़िएगा जिस पे 7 पत्ते लगे हुए हों। गिनकर 7 पत्ते आप देख लीजिएगा और उस टहनी को वहीं से तोड़ लीजिएगा जब 7 पत्ते पूरे हो जाएं। टहनी तोड़कर लाने का समय है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। शनिवार की दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में जामुन के पेड़ से 7 पत्ते एक जगह जुड़े हुए आपको तोड़कर लाने हैं। और आपके बेडरूम में जहां आप सोते हैं अपने बेड पर, उस गद्दे के नीचे आपको वो 7 पत्ते रख देने हैं साफ करके। उसके बाद जब अगला शनिवार आएगा, उन पत्तों को निकालकर आप किसी भी क्यारी में, बगीचे में, कहीं भी आप उनको रख दें, डाल दें और फिर नए 7 पत्ते लाकर शनिवार को पुनः आप गद्दे के नीचे रखिए। 7 शनिवार ऐसा करने से आप ये देखिएगा एक चमत्कारी लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध, आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता चला जाएगा, ईश्वर की कृपा बननी शुरू हो जाएगी। एक तीसरा उपाय और कहती हूँ, शुक्रवार को, शुक्रवार के दिन ही गुलाबी रंग के फूलों का आर्टिफिशियल पौधा लाना है। आप बाजार से गुलाबी रंग के फूल खरीदिए, चाहे वो गुलाब के हों, किसी भी चीज़ के हों, लेकिन आर्टिफिशियल हों। आर्टिफिशियल फूलों का पौधा आप घर में लेकर आ जाइएगा शुक्रवार के दिन और उसमें अपनी मनपसंद का कोई बहुत अच्छा सा परफ्यूम डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए परफ्यूम का उस पौधे के ऊपर। गुलाबी रंग के फूलों का पौधा, आर्टिफिशियल फूलों का पौधा बाजार से लाना है और उस पर अपना मनपसंद खूब अच्छा सा स्प्रे परफ्यूम करके आप अपने उसे बेडरूम में रख दीजिए। और अगले शुक्रवार को फिर आप उसी पौधे को, फिर नया पौधा नहीं खरीदना है, उसी पौधे को साफ करके पुनः उसमें परफ्यूम डालकर फिर उसे बेडरूम में ही रख दीजिए। ऐसा 7 शुक्रवार तक करिएगा, आप देखिएगा आप लोगों के जीवन में कितनी मधुरता आती चली जाएगी, मधुरता आ जाएगी, सुगंध फैल जाएगी, अपनापन हो जाएगा, एक दूसरे की कमियां दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। इस तरह के ये वाला उपाय आप करें। चौथा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय अत्यंत श्रेष्ठ और कारगर है। कारगर सारे उपाय हैं, यदि आप मन से करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि
अगर साल दो साल तीन साल भी आपको हो गए हैं, बेमर्जी के आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मन में आपके लगता है कि कब हम सेपरेट हो जाएं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो रहे हैं, तो वो ये उपाय करने से आप ये देखेंगे कि हम इतने सालों से इतना दुखी थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये उपाय करने पर हम बिल्कुल सही हो गए हैं। जो उपाय अब बता रही हूँ वो आपको गुरुवार के दिन करना है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन। ये अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। दोपहर के 4 बजे के बाद आपको कब करना है, समय पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य उचित समय पर किया गया ही फलदायी होता है। 4 बजे के बाद गुरुवार के दिन पंसारी की दुकान से आप 5 पीली कोड़ी लाना। पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी, अगर आपको जानकारी नहीं है आप दुकानदार से बोलेंगे वो आपको दे देगा। 5 पीली कोड़ी लेकर आनी है और उसे लाल कपड़े में बांध लेना। घर आकर उसे लाल कपड़े में बांध लेना। लाल कपड़े में बांधने के बाद अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जो आपके बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, वहाँ पर कहीं भी नीचे ऊपर शेल्फ में अलमारी में जो भी जगह वहाँ आपको दिखाई देती है वहाँ इसको रख देना है। ये आपके बेडरूम में हमेशा रखी रहनी चाहिए, इसका आपको और कुछ नहीं करना है, बस आप इसे रख के छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखिएगा चमत्कार, कितना प्रेम आपके आपस में बढ़ता है। ये भी कारगर उपाय है। एक उपाय और आपसे कह रही हूँ, दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी इतनी बढ़ जाए, अगर दाम्पत्य जीवन में इतनी परेशानी बढ़ जाए कि आपको लगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पर आपके हृदय में अच्छा है अपने परिवार को जोड़े रखने की, आपके मन में इच्छा होना अत्यंत अनिवार्य है, सामने वाले की जिस समय ये आप उपाय मन में संकल्प लेकर करें, चाहे ये पति करें या पत्नी करें, तो आपको अपने सामने वाले की कुछ समय के लिए बुराइयां देखनी बंद करनी होंगी, ईश्वर पर छोड़ना होगा कि आज ये समय है, आज ये मुझे चीज़ें बुरी लग रही हैं, ए ईश्वर इन सबको बिल्कुल समाप्त करो। ये अब समाप्त हो रही हैं, ये समाप्त होती जा रही हैं, अब गुस्सा कम होता जा रहा है, अब हमारा आपस में प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको 5वां उपाय बताने जा रही हूँ, ये भी शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन पत्नी को दुर्गा सप्तशती का 4वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती है किताब भी आती है, आप किसी भी चीज़ से भी देखकर पढ़ सकते हैं, 4वां अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है शुक्रवार से। और यदि ये समस्या पति के साथ है, यानी पत्नी शॉर्ट टेम्पर है, पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, या पत्नी की कोई आदत पति को अच्छी नहीं लग रही है, पति ज़्यादा परेशान है पत्नी से, तो ये पाठ पति कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दुर्गा सप्तशती का 5वें अध्याय का पाठ करना है। अगर पत्नी करना चाहती है तो 4वें अध्याय का पाठ करेगी, और पति करना चाहते हैं तो वो 5वें अध्याय का पाठ करेंगे शुक्रवार के दिन। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, प्रेम आएगा, कोई ताकत नहीं कि आपका दाम्पत्य जीवन इधर से उधर हो जाए, प्रेम के साथ आप मिलकर रहेंगे, ऐसी हमारी भी इच्छा है, मनोकामना है, ईश्वर आपकी मदद करे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके सब मित्रों को, रिश्तेदारों को या जो भी आपकी जानकारी में व्यक्ति किसी भी कारण से परेशान है तो वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।
एक महीने बाद आप उस कांच के बाउल को बदल दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं। एक अचूक उपाय, एक उपाय और आपको बताती हूँ पैसे से संबंधित। कितनी बार ऐसा होता है कि आमदनी कम हो जाती है, खर्चा अधिक हो जाता है, आमदनी के साधन कम हो जाते हैं, या हमने बहुत सोर्स किए लेकिन हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, बाहर कहीं पैसा फंस जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, कार्य कर दिया पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा होने की स्थिति आ जाती है, उसमें भी एक कार्य, ये काम बहुत कारगर है। आपको क्या करना है, ब्लू कलर की कांच की या प्लास्टिक की बोतल लानी है। अगर कांच की बोतल मिले तो बहुत अच्छा है, कांच की बोतल ना मिले तो आप एक प्लास्टिक की बोतल भी ला सकते हैं, कलर ब्लू ही होना चाहिए। कबाड़ी की दुकान से पुरानी बोतल भी ले सकते हैं आप जाकर, और उसे घर लाकर धोकर सुखा दीजिए। फिर उसमें आप एक मनी प्लांट लगाइए, उसमें मनी प्लांट लगाकर आप अपने घर के नॉर्थ में रख दीजिएगा। हर तीसरे दिन उस पानी को आपको बदलना है। लेकिन मेरी हर वीडियो में आप सुनते होंगे, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हर कार्य प्रेजेंट में करो। आप जब इस पोर्टल को स्थापित करें या ऊपर बताए जो भी मैंने आपको बताया उनमें से जो भी उपाय आप करें, तो मन में ये धारणा अवश्य करें, ईश्वर मेरा ये कार्य हो रहा है। जब आप मनी प्लांट लगाएं तो भी आप ये कहें, अब मेरी धन की समस्या खत्म हो रही है, मेरे घर में धन आ रहा है, धन अभाव खत्म हो रहा है, ईश्वर मेरे घर में धन आ रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है, व्यापार में अब मेरे लाभ हो रहा है, ऑफिस में मेरा कार्य में मन लगने लगा है, अब मेरी सरकारी नौकरी बस लगने ही वाली है, अब मेरा विवाह बस होने ही वाला है। ये सारी चीज़ें आपके मन में ये भाव होने चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब ये सारे उपाय कार्य करते हैं। और हमारी भी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इन उपायों से जहाँ भी आपको जिस भी चीज़ की परेशानी हो तो वही उपाय आप करें और आपको उसमें लाभ मिले, ईश्वर आपकी मदद करे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।